deciding location, Earth, M55, 28.7 degree north, 77.125 degree east. Analyzing dominant species, human, transforming X to human, successful. Transferring knowledge, initiated. Knowledge transfer, 10%. Knowledge transfer, 30%. Knowledge transfer, 90%. Knowledge transfer, completed. सोच रहे होंगे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। आइए देखते हैं। Good evening, everyone. Head Prefect pre-voting FMA is going to begin. Candidate Sudarshan will start, followed by Vidhan. Audiences are requested to maintain the decorum. FMA, final mass address. Please. Thank you. नमस्कार। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपना मैनिफेस्टो तो शेयर कर ही चुका हूँ। अब कल वोटिंग है तो आप सबने डिसाइड भी कर ही लिया होगा। तो आज इस मंच का उपयोग मैं अपनी आइडियोलॉजी बता के करना चाहूंगा। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू रिलेट टू स्टोरीज। तो चलिए आज एक कहानी से ही शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। एक दिन ऐसी ही दो सेल्स एक ऐसी जगह पे जा पहुंची जहां सनलाइट नहीं थी। अब सनलाइट पर जीने वाली ये सेल्स मरने की कगार पर थी। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई और उम्मीदों ने दामन छोड़ दिया तब एक चमत्कार हुआ और ये सेल्स मर्ज हो गई। मिलन, फ्यूजन, फिर क्या था? ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हुई। सिंगल सेल से मल्टी सेल, मल्टी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बना मैं, बने आप, बने हम सब। दुनिया के सारे डेवलपमेंट का सार है यही कहानी। टुगेदर द वे टू ग्रो, यूनाइटेड वी स्टैंड, टुगेदर वी ग्रो, यही मेरा मोटो है। अगर मैं हेड प्रीफेक्ट बन गया तो आई विल इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपर्ट काउंसलिंग टू अचीव वॉट एवर दे विश टू। और ये अचीव करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। United we stand! Together we go! Sudarshan! Sudarshan! Candidate Vidhan, kindly start your speech. अरे क्या बस इतनी सी तालियां मेरे लिए?
सुदर्शन भैया ने जादू कर दिया क्या? खैर, कितने नादान हो तुम लोग। तुम लोगों को दिखता है नहीं या जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते हो। खैर, तुम लोगों की गलती भी नहीं, बचपन से ही आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हो सबके सब। ये सिस्टम ही गलत है। बचपन से ही ये तुम्हें सपने दिखाता है अपने बेनिफिट के लिए, इक्वालिटी पॉजिटिविटी जैसे वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट बताता है। अरे मुझे एक बात बताइए आप, अगर कोई लिवर सेल ब्रेन सेल बनना चाहे तो बन जाएगी क्या? नहीं भाई साहब, आप ही मुझे बताइए, पॉसिबल है? कभी नहीं। ऐसा सोचिए, तुम सब एक लिवर सेल, तुम जानते हो तुम लोगों की औकात क्या है, पर फिर भी ये सिस्टम तुम्हें सोचने में मजबूर करता है। तुम सपने देखो, तुम मेहनत करो और तुम ब्रेन सेल बन जाओगे। भाई वाह, अगर सभी सेल्स इसी तरह अपने रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें तो क्या होगा? नहीं, क्या होगा? सबका होगा सर्वनाश। इसको रोकने का बस एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है। हमें सख्त जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जो हर स्टूडेंट को उसके ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचाए। हमें जरूरत है सोल की, आत्मा की, एक ऐसे सिस्टम की जो हर स्टूडेंट को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक यूनिक प्लान बनाए और उसको स्ट्रिक्टली उसी पर चलाए। अगर हमारे स्कूलों में ऐसा सिस्टम लागू हो गया तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और फिर क्या, अगर आप लोग मुझे अपना हेड प्रीफेक्ट चुनते हैं तो ये मैं आपके लिए ऐसा सिस्टम तैयार कर सकता हूँ। ये लोग समझते क्यों नहीं? सर सुनना, इनको पसंद नहीं आया तो पिटाई कर दी मेरी। क्या मतलब, इन लोगों को बदलाव की सख्त जरूरत है। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहे मेरी बात। ये सुदर्शन कुछ भी यूनिटी वूनिटी की बातें करे जा रहा है और ये लोग ढोंग पीटे जा रहे हैं उसके पीछे। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। बदलाव की सख्त जरूरत है। अगर बदलाव नहीं आया तो सबका सर्वनाश तय है। अगर इन लोगों को पढ़ी नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बाहर भी जाएं ये लोग। तो सही है, पता है? कौन बोला रहा है? कौन है तू? मैं कौन हूं वो भी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। छोड़, तू बता, दर्द हो रहा है क्या? अरे भाई दिमाग वैसे ही खराब है, तू भी पिट जाएगा। तू पीटेगा अभी? अच्छा चल, आ जाओ तेरे पास। तेरी तो मैं नहीं बच्चा, नहीं खड़ा हो, बैठ जा। पीएगा? पी ले, लाया हूँ। हट, पी ले। संजय। क्या? संजय नाम है मेरा, एक महीने से तेरा क्लासमेट हूँ। क्लास में तो कभी नोटिस ही नहीं किया तेरे को, पता है? मतलब इतने भयंकर आइडियाज लाता था, कैसे कहां से? ए भाई, जज करना बंद करेगा क्या? बहुत दिमाग गरम है अभी मेरा। पता नहीं क्यों मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ यार। चुपचाप बैठा रहता ना, जीरो वोट मिलने का ठप्पा लगा होता और पिटाई कर दी सो अलग। यार जीरो वोट तो नहीं मिले तुझे, एक मिला है। क्या बकवास कर रहा है? मैंने ही किया है भाई। क्या मुझे लगा जो तू सही बोल रहा है कि हम उस सिस्टम की जरूरत है जो लोगों को फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करने से रोके, तो मैंने तुझे वोट दिया। देख भाई, डॉक्टर वॉक्टर होगा बाहर, आके दिखा ले, साइको लग रहा है तू मुझे। देख, साइको की उंगलियां तू तो नहीं कर सकता अभी,
शांत रह जा। छोड़, इंटरेस्टिंग चीज दिखा था। क्या दिखा रहे यार? शांति रखेगा एक से क्या है? ये ले। क्या है ये? कंप्यूटर कहते हैं इसे, कंप्यूटर। क्या करता है ये? ऐसा समझ ले, ये सब कुछ करता है। अच्छा, कैसे? कैसे? कैसे तो किसी को नहीं पता, पर बहुत खास चीज है, पता है? सबसे बड़ी खासियत पता है क्या इसकी? नहीं। हमेशा करेक्ट रहता है, कभी गलती नहीं करता। क्या बकवास कर रहा है? नहीं भरोसा हो रहा? नहीं। चल सिखाता हूँ, सीखेगा? सिखा दे भाई। सुदर्शन उस साल हेड प्रीफेक्ट इलेक्शन जीत गया। अपने विजन के दम पर वो गवर्नर सीट तक पहुंचने में भी कामयाब हो गया। अब उसकी निगाहें प्रेसिडेंट कुर्सी पर टिक गई थी। विधान भी अपनी हार भुलाकर अब कंप्यूटर की नई दुनिया में संजय के साथ अपना सफर शुरू कर चुका था। 25 साल बाद अरे सुदर्शन भैया बड़ा जल्दी में कॉल किए, बड़ा तमतमाए हुए लग रहे थे। अनुज भैया आपको तो मालूम होगा ना? अरे हरिया, तुम जो रैली में कांड कर आए हो ना, उनको मालूम पड़ गया है, वो इसीलिए गुस्से में है। क्या करके आ रहे तू हरिया? नहीं नहीं कुछ नहीं किए हम। ए मनोज क्या कुछ भी झूठ बोले जा रहा है? वो अपोजिशन पार्टी का रैली में जो तुम दंगे कराए थे, ऊपर से रिपोर्टर लोग को बोले कि हम ही ने किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ तो बहुत फुदक रहा था वो, एक बार इलेक्शन क्या जीत गया, हमारे सुदर्शन भैया को नीचा दिखाएगा। पर अनुज भैया रिपोर्टर लोग को हम कुछ नहीं बोले थे, यही बोला होगा। हमने नहीं बताया भैया। शांत रहो तुम दोनों, इन चीजों के लिए बुलाई मीटिंग नहीं ना, और आपस में जो लड़ना है ना लड़ो, मीडिया को तुम मत घसीटो। जेंटलमैन, प्रेसिडेंट या गवर्नर, ये हमें आज ही डिसाइड करना होगा। आकाश शुरू करो। जैसे आपने बोला था, हमने प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए टाइम सीरीज का मॉडल यूज किया। हमारे और पोटेंशियल अपोजिशन के रिजल्ट्स देखे, इस साल हमारे चांसेस 43% है, तो हमें एक और 10 ईयर वेट करना चाहिए। मनोज क्या लड़ना है ये तो आप और अनुज जी देख लो। मैं बस एक गारंटी देता है, रैली चाहे जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी हो जाएगी। हरिया तुम बताओ। सर पीडीटी पीडीटी तो हमका मालूम नहीं, बस हमका ये मालूम है कि हम और हमारा लड़का आपके खातिर जान ले भी लेगा और जान दे भी देगा। सुदर्शन अभी हमारे कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, एक और 10 ईयर वेट करते। अच्छा आज वो एबीसी टीवी के ओपिनियन बुलाने वाले हैं। हाँ रिजल्ट्स आज ही है उसके रिजल्ट्स। कोई प्रेडिक्शन? 45% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दिखाओ टीवी चलाओ। मच अवेटेड ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट आ गए हैं। ये चैनल किसी भी डिस्क्रिपेंसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। सुरेश ड्रॉप द कर्टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुदर्शन के पक्ष में एक तरफा नतीजे आए हैं। 68% वोट के साथ सुदर्शन ने भारी लीड बना ली है। तो रमेश क्या कहेंगे आप? काफी दिलचस्प नतीजे हैं, इनकी उम्मीद तो खुद पार्टी वालों ने भी नहीं की होगी। बिल्कुल भी नहीं की होगी। और 24% मत के साथ हम तो बताए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए जाना चाहिए। क्या कुछ भी बोल रहा है, 3 बार गवर्नर बने बिना कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल्स का सोचता भी नहीं है। हमको मत सिखा मनोज, सुदर्शन भैया 2 बार गवर्नर बन चुके और वो भी लगातार, ये भी ना हुआ है किसी से आज तक। और तो और सुदर्शन भैया इतने पॉपुलर है, वो ही जीतेंगे। तुम लोग क्यों फालतू में बहस कर रहे हो, सुदर्शन को लड़ना है ना, वो देख लेंगे। वो डबल बैटरी तो चुपचाप दी थी। हरिया क्वाइट। अनुज तुम्हारा क्या कहना है? सुदर्शन कॉन्टेक्ट तो नहीं है अपने पास, ठीक है, पर ये ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बड़े लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे। वेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लेट्स गो फॉर प्रेसिडेंट।
एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड इस बार हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए ही जाएंगे। जय हुई ना बात। शांत और हरिया, मीटिंग चल रही है ना? अनुज, इलेक्शन कैंपेन तैयार करो। यस सर। ऑफिस लोकेशंस डिसाइड करो और विजिट शेड्यूल करो। ये सब मुझे सोमवार से पहले चाहिए। यस सर, डेफिनेटली। मनोज, अगले महीने से पहले जितनी भी बड़ी रैलियां करा सकते हो सबकी लिस्ट बना के लाओ। जी भैया, जी हो जाएगा। आकाश, अपनी पूरी टीम को फाइनेंस में लगा दो। ओके। ये इंश्योर करो कि जब तक फंडिंग नहीं आती तब तक कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। हो जाएगा। अरे कार्यकर्ता जुगाड़ो, जरूरत पड़ेगी। और प्लीज कोई कांड मत करके आना। जी भैया। जेंटलमैन, यूनाइटेड वी स्टैंड टुगेदर वी ग्रो। ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट को देखते हुए इस सेगमेंट में एबीसी टीवी लोगों तक जाकर पहुंची और यह पता लगाया कि आखिर सुदर्शन ने ऐसा कैसा जादू कर दिया कि लोग उनकी तारीफें करते हुए थकी नहीं रहे। फॉरवर्ड टू सुरेश। हाँ सुरेश, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ 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 भाई, आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू रमेश। आज हम डीईएफ स्टेट में मौजूद हैं। ये वही स्टेट है जिसे हमारे देश का वीट बास्केट कहा जाता है। यहाँ से सुदर्शन दो बार गवर्नर रह चुके हैं। हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि सुदर्शन के बारे में, उनके काम के बारे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो एक सब्जी वाला हूँ। अच्छा, तो फिर जब सुदर्शन जी गवर्नर बने तो आप लोगों के लिए कुछ किए? सुदर्शन जी बहुत ही अच्छा आदमी है। हम सब मंडी वालों को उन्होंने अपनी दुकान दिलाई और बोले कि अब गले पे बैठ के कमाइए। बहुत ध्यान रखते हैं वो हमरा, कोई दिक्कत आने नहीं देते। हमारे लिए तो वो भगवान समान है। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है, चलिए। अच्छा, राम राम बाबू जी। राम राम साहब। अच्छा, आप बता दीजिए आप क्या करते हैं? राम साहब, हम एक किसान है साहब। पहले खुद के खेत पे खेती करके पेट नहीं पलता था, तो बड़े सेठ के घर पे भी खेती करते थे। बदन टूटता था साहब। तो अच्छा, अब कुछ परिवर्तन आया क्या? अरे, सुदर्शन भैया ने शहर से हरिया भैया को भेजा। हरिया भैया काफी बड़ी बड़ी मशीनें शहर से लेके आए। अब हम हल नहीं चलाते साहब, ट्रैक्टर चलाते अपने खेतों में। उसी मशीनों का इस्तेमाल करके सारे गांव के किसान हंसी खुशी अपने परिवार का पेट पालते हैं साहब। तो अच्छा, तो आप सभी लोग बहुत खुश हैं? अरे बहुत ही खुश है। सुदर्शन भैया जिंदाबाद। सुदर्शन भैया जिंदाबाद। सुदर्शन भैया जिंदाबाद। सुदर्शन भैया जिंदाबाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सुदर्शन और उनके काम का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। कुछ लोगों ने तो उन्हें भगवान का दर्जा तक दे दिया। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कैमरामैन चंदू के साथ सुरेश, एबीसी टीवी। इलेक्शन के पीछे पड़ा है यार तू। सुदर्शन है ना ये? हाँ। छोड़ देना इसको साइड में। नहीं छूटता ना संजय, ये आदमी डोंग पीटता रहे, ये नहीं देखा जाएगा मेरे से कभी भी। क्या करेगा इसका, कर भी क्या सकता है? और तुझे इतनी क्यों पड़ी है प्रेसिडेंट बनने की? संजय, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इस देश के लोगों का प्यार, इस देश के लोगों की समस्याएं मेरे दिल में है। मैं इसे बर्बाद होते हुए कभी नहीं देख पाऊंगा संजय। क्या सुदर्शन जा रहा है प्रेसिडेंट के लिए? हाँ यार,
यूनाइटेड। अरे हाँ वही वाला यार। हाँ तू क्या करेगा, तू प्रेसिडेंट बनेगा उसकी जगह? क्या बकवास कर रहा है, चल छोड़िए सब। ये बता प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए तुझे, पैसे? भाई मेरे से क्यों पूछ रहे भाई, बता तो सही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। देख मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं, बट जहाँ तक मुझे पता है ये पैसे वैसे से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो तू अपने ओपोनेंट का वीक पॉइंट पता कर सकता है, और एक बार तेरे पास वीक पॉइंट है तो तू अपने फायदे के लिए उसे मैनिपुलेट कर पाएगा। बोलता तो सही रहा है। चल एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। कहाँ? आ जा। अरे भैया तुम्हारी फाइल में काफी खामियां है यार, तुम्हारा टेंडर पास नहीं हो पाएगा। अरे सर सर क्या कर रहे हो तुम, मैं घूस वूस नहीं लेता। यही है ना वो? साला हमको फिर क्यों देता है? क्या सेठ, जितना मांगा था दे देना था ना, बच जाते अभी। कितना था रे इसका? 30 है। दूसरे का ला। ओके तो डील फाइनल है, हम काम शुरू करते हैं। सीक्रेसी रखना इज अंडरस्टूड राइट? ओ या। ये डील मेरी कंपनी के लिए अब ब्रेक थ्रू पॉइंट बनेगी। अब मेरी कंपनी का टर्नओवर होगा 10 गुना। कंट्री रीच होगी अब 4 गुना, और अब मेरी कंपनी को टॉप लाइन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो वो पीछे एक्स दिख रहे थे वो नॉर्मल लोगों के लिए इनविजिबल रहते, तो ऐसा ही समझ लो वो मेरे आईज एंड ईयर्स हैं। अरे ये सब अरे सुन सुन सुन, वो जो एक्स थे वो मुझे कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल कुछ भी डिजिटल चीज से इंफॉर्मेशन दे सकते। इस तरह से देश की 60% तक रीच है अभी मेरे। क्या बात कर रहे संजय, संजय तू मुझे सच सच बता कौन है तू?
और क्या है तेरा मोटिव? यार मैं कौन हूँ वो मुझे नहीं पता, बहुत ही कंफ्यूज हूँ मैं, पर इतना जानता हूँ कि तेरा सच्चा दोस्त हूँ। संजय संजय, अब मैंने तय कर लिया, इस बार मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ूंगा और इसमें तेरी मदद लगेगी संजय, तेरे साथ मिलके इस देश में बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। क्या तुम तीनों को पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए एक पार्टी बना रहा हूं और तुम तीनों को उसमें जुड़ना होगा। क्या मजाक कर रहा है? चुप, पहले अपने सामने रखी फाइल्स को पढ़ो। क्या बकवास है ये सब? कहां से आए तुम्हारे पास? चौक गए। मेरा साथ दो और तुम्हें मैं वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक तुमने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है, मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। किसी को कोई एतराज? जल्दी बोलो। नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, शुरू करते हैं। नरेश, पार्टी का सारा खर्चा तुम उठाओगे। अनिल, पार्टी बनाओ और सारी क्लियरेंस करवाओ। अगले हफ्ते तक मुझे सब रेडी चाहिए। और गिरिराज, कार्यकर्ताओं की सेना इकट्ठा करो। और सबसे जरूरी बात, ये इंश्योर करो कि इस बार सुदर्शन के अलावा मेरा ओपोनेंट और कोई ना हो। अब वक्त आ गया है इस देश में बदलाव लाने का। Yeah.
सुदर्शन भैया हमको बस्ती से उठा के लाए, इतना बड़ा आदमी बना है। अब हम आप जैसे लोगों को सुदर्शन भैया के साथ जोड़ना चाहते हैं, आइए मेरे साथ। अरे भैया मेरी तो बात सुन लो, इसके नीचे जो लड़के काम करते ना उनको 3 साल में तो निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो मिलते कहीं ऐसी छोटे मोटे ऑफिस में काम करते। झूठ बोल रहा है ये? ऐसा क्यों? हाँ अरे मनोज भैया कहीं तुम्हें ये तो डर नहीं कि तुम्हारी गद्दी छिन जाएगी? अरे झूठ बोल रहा है ये, इसकी बात मत सुनो, पागल हो गया ये। अरे भैया इधर आओ, ऐसी ईर्ष्या द्वेष से भरे मनोज के साथ काम करेंगे आप? इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और देर ना करते हुए हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इलेक्शन में कौन जीते। सुरेश ड्रॉप द कर्टन्स। तो विधान जीत चुके हैं, क्या कहना है आपका रमेश? वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, विधान 10,000 वोटों से जीत चुके हैं। अच्छा क्या लगता है क्या होगा इस देश का? देश का क्या होना है, मैं तो रिजाइन करने जा रहा हूं। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि लोगों ने विधान को या सुदर्शन को सपोर्ट नहीं किया, आज एक आइडियोलॉजी जीती है। मैं देखना चाहता हूं आगे क्या होगा। चलिए समझा मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? मैं डेटा हूं। मैं क्या हूं? मैं वो ब्रह्मास्त्र जो ना किसी देव का सका हुआ ना ही किसी दानव का हुआ। अच्छा हूं या मैं बुरा हूं वो तो कोई नहीं जान पाया। Thank you.
हाँ आप जीत ही गए। अब संजय अब वक्त है रिफॉर्म्स का इस देश में। तुम्हें हमारा पहला रिफॉर्म याद है? हम इस देश से जुर्म मिटा देंगे। संजय मैं चाहता हूं तुम अपना डेटा यूज करके सब लोगों का टेस्ट करवाओ, सबकी क्रिमिनल टेंडेंसी का पता करो। क्राइम होने से पहले ही मुझे क्रिमिनल जेल के अंदर चाहिए, किसी भी कीमत पे। अब मैं क्राइम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। दूसरा रिफॉर्म, हम इस देश से लोगों का दुखी मिटा देंगे। कैसे? सभी 8 साल तक के बच्चों का कंपलसरी आईक्यू टेस्ट करवाओ और फ्यूचर इंडस्ट्री नीड्स के अकॉर्डिंग एक नया प्लान तैयार करो। उनको स्ट्रिक्टली उसी पर फॉलो करेंगे। जब किसी की उम्मीदें ही नहीं रहेंगी तो फिर आशा की क्या बात, दुखी नहीं होगा लोगों की जिंदगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म सर, याद है तुम्हें वर्ल्ड पीस? हाँ वर्ल्ड पीस। संजय मैं चाहता हूं कि तुम अब अपनी रीच पूरी दुनिया में फैलाओ। अगर कल को कोई देश हमारे खिलाफ आंख उठा के देखता है तो मैं चाहता हूं कि तुम उसका सिस्टम चुटकी में बंद कर दो। वर्ल्ड वॉर 3 का तो सवाल ही नहीं उठता फिर। और हाँ भूलो मत, ये जो बूढ़े लोग हैं ना इनको साइडलाइन कर देना, इन लोगों को ये पसंद नहीं आने वाला ये रिफॉर्म। डन चल बदलाव ला।